नमस्कार, इंडियन फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पालक पराठा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच नमक, 2 कप पालक प्यूरी। ये पालक उबाल के प्यूरी बनाई है। हमें पालक प्यूरी में ही आटा गूंदना है। आटा गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। आटा तैयार है हमारा, इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रखते हैं। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। 2 चम्मच तेल, अदरक की पेस्ट अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1/2 कप शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, हरा धनिया और हरी मिर्च, 1 स्वादानुसार नमक। स्टीम देते हैं 5 मिनट। तैयार है हमारी सब्जी, निकाल लेते हैं बाउल में। यहाँ पे हमारा आटा भी रेस्ट हुआ है, 1 लोई तोड़ लेते हैं। पराठा बेलेंगे सूखा आटा। अब इस पे थोड़ा सा चीज, सब्जियों का स्टफिंग, थोड़ा सा चीज। इसे चारों ओर से अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। अब पराठा बेल लेते हैं हम। पराठा हमें हल्के हाथ से ही बेलना है। तैयार है पराठा, सेक लेते हैं इसे। इसे दोनों ओर से सेकना है घी डालते हुए। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है। तैयार है पराठा हमारा, निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह पराठे बना लेते हैं। तो आप भी बनाइए पराठे ऐसे और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।